सबको जय मसीह की। आज हमारे 21 दिन प्रार्थना के तीसरे दिन है। आज भी आपके साथ इस वीडियो के द्वारा प्रार्थना में और आराधना में जोड़ने में हम खुश है। परमेश्वर जरूर हमारे आराधना को स्वीकार करेगा, हमारा प्रार्थना को सुनेगा, जरूर हमारे बीच में वो उतर आएगा, हमारे बीच में कार्य करेगा, हमारे घरों में प्रभु वास करेगा, प्रभु का महिमा रहेगा, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इस उपवास दिनों के प्रार्थना और हमारा उपवास मसीह के नाम के लिए जो भी हम कर रहे हैं, जो समय हम उनके सम्मुख में बिताते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तू महान है यीशु, यीशु तू महान है, तू महान रहेगा, तू महान था, हालेलुया। तेरा सामर्थ्य कम नहीं होता है, सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं के राजा, तू प्रभुओं के प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर आप ही है खुदा, सृष्टि को रचने वाला आपकी है, हमें बनाने वाला तू ही है खुदा। यीशु तेरा धन्यवाद, हमारे जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, हमें यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, सारे सृष्टि पुकारते के नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते पवित्र है, हमें यीशु
सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार आपके हाथों पे है खुदा, सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार आपके पास है। हालेलुया, आपके ऊपर और कोई अधिकार नहीं है खुदा, आपके सामर्थ के ऊपर और कोई सामर्थ नहीं है। हालेलुया, तू सारे सृष्टि के मालिक है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारे विरोध में शैतान के काम यार प्रभु जी, बीमार कोई अधिकार नहीं है खुदा। हमारे घरों को आप संभालेंगे, हमारे परिवारों को आप संभालेंगे, हमारे देश को आप संभालेंगे, हमारे शहर को आप संभालेंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं के राजा है, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया, हमारे घरों का मालिक तू ही है खुदा, ओ हमारे परिवार के मालिक तू ही है प्रभु, हमारे परिवार के अधिकारी तू ही है खुदा, हमारे परिवार को संभालने वाला अब्बा तू ही है। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो। आप हमारे परिवारों को सुरक्षित रखेंगे, आप हमारे परिवारों को संभालेंगे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रार्थना सुना धन्यवाद, मेरा आराधना स्वीकार किया धन्यवाद, यीशु के नाम से आमेन आमेन। आप सबको इस प्रार्थना में हम स्वागत करते हैं, खुश है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल आपने प्रधानमंत्री के ओर से आपने सुने हैं कि आने वाले 21 दिन सब कुछ बंद रहने वाले हैं, शटडाउन रहने वाले हैं। ये मसीही लोगों के लिए, कलीसिया के लिए मौका है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में समय बिता सकते हैं, राइट। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको मैं एक सूचना यार एक सलाह देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री के सलाह को हम स्वीकार करना चाहिए, घूमना फिरना मना है, हमारे लिए वो सेफ नहीं है, कहीं जाना आना नहीं, आप घर पे बैठिए, ज्यादातर समय प्रार्थना में और आराधना में बिताइए, बाइबल के साथ बिताइए। जैसे हमने साल के शुरुआत में दर्शन बनाया था कि इस 100 दिन के प्रार्थना पूरा होने के पहले हम पूरा बाइबल को पढ़ के पूरा करना है। मैं विश्वास करता हूं आप उसको करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा हमारे लिए एक अवसर है, एक मौका है, एक्स्ट्रा समय हमें मिल रहा है, हम बाइबल को पढ़ के पूरा करने का कोशिश करेंगे। प्रभु हमें प्रभु हमें मदद करे, प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। आज भी आज के ध्यान के लिए खोलिए मेरे साथ दूसरा यूहन्ना, यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका पहला अध्याय की अध्याय है, उसका पहला अध्याय में उसका दूसरा वचन। यूहन्ना गयूस करके एक व्यक्ति के लिए
ये प्रार्थना करता है, बहुत ही खास एक प्रार्थना करता है। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। यहां पर यूहन्ना गयूस करके एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। गयूस जो भी प्रभु के दास उनके शहर में आते थे या उनके गांव में जाते थे, आते जाते थे, उन्हें अपने घर में बुलाकर अच्छा पालन पोषण करता था, उन्हें संभालता था। तो यूहन्ना को भी कई बार गयूस अपने घर में स्वागत किया, पालन पोषण किया। इसलिए यूहन्ना उनको एक धन्यवाद का शब्द कहता है और उनके लिए एक खास प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना सच में मेरे दिल को छुआ यार। हमारे इस परिस्थिति में वो बहुत ही इस वचन हमारे सब सूट करता है। ये लिखा है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, इस 21 दिन में, इस प्रार्थना में हम अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम बिताने वाले हैं। प्रार्थना में, बाइबल में, बाइबल पढ़ने में, आराधना में हम समय बिताने वाले हैं। हम आत्मिक जीवन में जरूर उन्नति पाने ही वाले हैं। उस तो यहां पर लिखा है ये प्रार्थना है कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाते रहे, राइट। प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जरूर हम आत्मिक उन्नति पाएंगे। इन दिनों में हम बाइबल में अधिक समय बिताने वाले हैं, प्रार्थना में अधिक समय बिताने वाले हैं, आराधना में अधिक समय बिताने वाले, तो जरूर हमें आत्मिक उन्नति मिलने ही वाले हैं। और उसके साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति पाए। यूहन्ना उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको आत्मिक उन्नति तो मिल रहा है, तो साथ में आपको हर प्रकार की उन्नति मिले। आप शायद चिंतित होंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल कैसा होगा, नौकरी नहीं है। शायद कुछ लोग घर पे बैठकर काम करते होंगे, लेकिन कई लोग काम आपका आपका कंपनी बंद किया हो क्या होगा, आप घर पे बैठे होंगे, पता नहीं है कैसे आपके हफ्ता भरेंगे, कैसे आप अपने घर को संभालेंगे, ऐसे चिंतित होंगे। प्रभु कहता है आप जिस प्रकार आत्मिक उन्नति पा रहे हैं, उसी प्रकार आपको हर चीजों में, हर बातों में आपको जरूर परमेश्वर उन्नति देगा। आपके घर में जरूर किसी भी बात का कमी नहीं रहेगा। तीसरी बात, और भला चंगा रहे, मतलब गुड हेल्थ। परमेश्वर आपको चंगा करे, मतलब किसी भी प्रकार का बीमार आपका घर पे परमेश्वर आने नहीं देगा। आपको परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला है। आत्मिक उन्नति के साथ साथ अगर आप आत्मिक उन्नति के लिए अगर आप ध्यान देते हैं, आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान देने वाले एक व्यक्ति है, तो आपको परमेश्वर बाकी सब में भी आपको उन्नति देगा। परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा। हालेलुया। भला चंगा रखेगा, आपको तंदुरुस्त रखेगा, किसी बीमार आपको छूने नहीं देगा। परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाएगा। हालेलुया। आपका घर पे परमेश्वर कुछ कमी नहीं रखेगा। आत्मिक उन्नति के साथ सब बातों की उन्नति और भला चंगा आपके घर पे होंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करें, अपने आशीषों से हमारे घर को परमेश्वर भरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हमारे घरों में आपके आशीर्वाद है, हमारे घरों में अबा आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति के साथ सब बातों में उन्नति प्रभु हमें दे। साथ में हमें परमेश्वर भला चंगा करे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हमारे परिवारों को सेफ रखे, हमारे घरों को सेफ रखे इन बीमारों से। ये जो बीमार, ये जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है, इससे हमें परमेश्वर सुरक्षित रखे। आइए हम अपने आंखों को बंद करके, हाथों को उठाकर कुछ
समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करे, आत्मिक उन्नति दे। हालेलुया, हमारे प्रार्थना, हमारे आराधना, वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति दे। उस आत्मिक उन्नति के साथ साथ, उस आत्मिक उन्नति के परमेश्वर हमें सब बातों में उन्नति दे। हालेलुया, परमेश्वर हमें कुछ कमी बिगड़ हमें चलाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से हमें भला चंगा करे। हालेलुया, परमेश्वर हमें भला करे, चंगा करे, हमें किसी भी प्रकार के बीमार हमारे परिवारों को परमेश्वर छूने ना दे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन में उन्नति, सब बातों में उन्नति, भला चंगा उनके घर में होने पाए प्रभु। ये हमारा प्रार्थना है इस शाम के समय पर। हर घर को आप आशीष कीजिए, उनके साथ आप रहना खुदा। इस प्रार्थना दिनों को आप उन्हें आशीष करके दीजिए खुदा। हालेलुया, अधिक समय आपकी उपस्थिति में बिताने के लिए उनको मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सबके घर में आपके शांति, समाधान, आशीर्वाद बने रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। आदर, मान, महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। यहाँ पर रुकिए मत, आगे भी आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर जरूर आप सबको आशीष करेगा। हम फिर से मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।